रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा। कोरोना की दूसरी लहर का दर्द अभी कम नहीं हुआ है कि तीसरी लहर की आहट डराने लगी है। दरअसल फेस्टिव सीजन में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो ये चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को हल्के में लेना सबके लिए भारी पड़ सकता है। तो राजधानी रांची में कोरोना के भी मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। त्योहारों के सीजन में खतरा लगातार बढ़ा हुआ है कि कहीं कोरोना की जो तीसरी लहर है वो दस्तक ना दे जाए, इसलिए बेहद जरूरी है। त्योहारों के सीजन में राज्य में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की एक्टिव मामले 70 के करीब। संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मुस्तैद। राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। बीते कुछ घंटे पहले करीब 29 दिनों बाद राज्य में जामताड़ा के रहने वाले संक्रमित की मौत भी हुई है। एक बार संक्रमण का खतरा पूरे राज्य में मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग आने वाले त्योहार में लोगों को विशेष रूप से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। दुर्गा पूजा के बाद बढ़े संक्रमण को देखते हुए ये उम्मीद लग रही है कि दीपावली और छठ तक संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। लोगों को जश्न मनाना चाहिए। आस्था में हम भी विश्वास करते हैं। महापर्व छठ भी है, दिवाली भी है और धनतेरस भी है, और हम सभी लोगों को इसकी बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और ये जरूर प्रार्थना करते हैं कि कोविड-19 का अभी तक हम लोग उससे पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जश्न मनाना चाहिए, लेकिन थोड़ी एहतियात के साथ मनाओ जश्न। बाहर आए इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर न जले। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जश्न मनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाएं कि पता चले कि कोविड-19 का जो है वो प्रभाव बढ़ जाए। तो सबको थोड़ा सा नियम संगत करके काम करना चाहिए। राज्य के सबसे बड़े कोविड वार्ड में भी मरीजों की भर्ती होने का सिलसिला जारी हो गया है। पिछले 3 महीने से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक भी कोरोना का संक्रमित मरीज भर्ती नहीं था, मगर वर्तमान में स्थिति काफी बदल गई है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में 2 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती, दोनों की बंगाल का ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और परिवार के भी ज्यादातर लोग संक्रमित पाए गए हैं। धनबाद की रहने वाली 14 वर्षीय कोरोना संदिग्ध एक बच्ची का इलाज भी रिम्स में चल रहा है। आरटीपीसीआर जांच में निगेटिव पाई गई बच्ची में कोरोना के लक्षण है। फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखकर बच्ची का हर संभव इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ रिम्स के ही ट्रॉमा सेंटर में पोस्ट कोविड के 27 और ब्लैक फंगस के 1 मरीज भर्ती है। विनम्र निवेदन है कि आप पर्सनल प्रोटेक्शंस को लेकर के ही, मास्क को लेकर के और जो एक सेफ डिस्टेंसिंग है, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना ना भूलें। और जिनको टीका नहीं लगा है, और मेरा उनसे फिर से निवेदन है कि आप जाएं और जल्द से जल्द अपना टीका लगवाएं। और ये मत समझिए कि आप टीका लगने के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि विश्व भर में ये देखा गया है कि आप दोनों डोज लगने के बाद भी 25% चांस आपको कोविड इन्फेक्शन होने का डर रहता ही है। और त्योहारों के सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन की मदद से झारखंड राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पॉइंट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करने वालों पर सख्ती बनाई जा रही है। न्यूज 11 भारत भी आप सभी से अपील करता है कि त्योहारों के दौरान कोरोना से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और कोरोना के संक्रमण के मामले जैसे बढ़ रहे हैं, एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। और सीधा रुख करेंगे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर बने हुए हैं। शहनवाज, कौन से रेलवे स्टेशन पर अभी आप मौजूद हैं? देखिए, मैं रांची रेलवे स्टेशन पर हूँ जी, और सामान्य दिनों की तरह आज भी यहाँ पर भीड़ भाड़ है और यात्रियों की जांच के लिए, कोविड जांच के लिए भी तैनात है स्वास्थ्य कर्मी। और बाकायदा यहाँ पर एक एक व्यक्ति इधर से जो क्रॉस कर रहा है, गुजर रहा है, उसको
बिना जांच के गुजरने की इजाज़त नहीं है, ये सख्ती है। इंसिडेंट कमांडर भी मौजूद है यहाँ पर, और इंसिडेंट कमांडर पर कार्रवाई होगी। अगर कोई भी व्यक्ति छूटता है, अगर इस तरह से जांच से बाहर निकलता है, तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर रांची रेलवे स्टेशन का ये समय है, हालांकि 9 बजे है, लेकिन ट्रेन पे जिनको यात्रा करनी है वो बड़े पैमाने पर जो यात्रियों की भीड़ होती है वो यहाँ पर जमा है और अपने अपनी बारी का, अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो एक हम सतर्कता देख रहे हैं, अगर आप इधर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखाई दे देंगे जो अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। दिखाइए शर्मा, जरा लोगों ने सतर्कता छोड़ दी है, लेकिन कुछ लोग मास्क भी लगे हुए हैं। जो तस्वीर देखिए आप, देखिए वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, वो लोग भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, ये भाई साहब मास्क लगाए हुए हैं। तो जो लगाए हुए हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। आप मास्क लगाते हैं रेगुलर? जी, क्यों? सतर्कता जरूरी है इस पेंडेमिक के माहौल में, अगर अपने आप को सुरक्षित करना है तो सतर्कता जरूरी है। नाक पर रखना पड़ेगा आप थोड़ा। जी जी जी, है ना? जी जी। बाकी क्या माहौल है आसपास? अब ये हम बोलेंगे, अभी देखिए ऐसा है कि अभी बहुत लोग केयरलेस हो गए हैं, अब सोच रहे हैं कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है, लेकिन आगे चल करके यही उनके जो भी ये नाकामी आगे चल करके उनको भारी पड़ सकता है। भारी पहले पड़ चुका है, इससे पहले भी भारी पड़ चुका है, और अगर सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो आगे भी भारी पड़ सकता है। अब जरा सा इधर भी देख लें, ये बिल्कुल सार्वजनिक जगह है राजदा, जहाँ पर कुछ छुपाया नहीं जा सकता, कुछ दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे ज्यादातर मास्क लगाए हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इधर भी हैं तो मास्क लगाए हुए हैं, सार्वजनिक जगह पे थोड़ा सा कोई हटा लेते हैं, लेकिन जनरली जो टेंडेंसी यही है कि अब ज्यादा मास्क लोग नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर चेक होता है, यहाँ पर चेक होता है, आते आते जाते किसी को यात्रा से रोका जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर लोग मास्क लगाए हैं। तो पर कोरोना से डर खत्म हो गया है, प्रशासन की करें जी शहनवाज, प्रशासन के डर से मास्क लगाया जा रहा है, कोरोना से इन्हें डर नहीं रह गया है, यही तस्वीर नजर आ रही है। और मास्क ऐसा होता है जिसको मास्क आना भी एक तरह से गलत होगा, क्योंकि कपड़ों के मास्क आ गए हैं, यू ही फैशनेबल कुछ भी लिखा हुआ उसमें हो, नाक पर कोई जरूरत नहीं है मास्क की। तो आप देखें जो मास्क होता है वो प्रॉपरली नाक के बिल्कुल यहाँ पर नोज पिन की तरह टाइट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कपड़े थोड़ा सस्ता पहन ले, जीन्स तो 1000 रुपए की नहीं पहने, 300 की पहन ले, लेकिन जान तो यही मास्क बचाएगा जहाँ पर नोज पिन लगा हुआ हो। तो बहरहाल ये एक जनरल टेंडेंसी लोगों ने अपना रखी है कि जेब में रखते हैं, क्योंकि अब हर जगह चेक भी होता है, लेकिन जहां पर मौका मिला मास्क हटा देते हैं। और ये जो जांच का केंद्र है वो भी मैं आग्रह करूंगा अपने संवाददाता कैमरामैन से, सहयोगी से, कि आप दिखाएं, ये स्वास्थ्य कर्मी है, दिन रात एक किया हुआ है इन्होंने, एक एक चीज को चेक करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, 25 से भी ज्यादा यहाँ पर लोग होंगे, और मैं उनसे भी बात करता हूँ, ये डिटेल भर रहे हैं, हमारे एक बहुत ही कर्मठ कर्मचारी लग रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रविकांत चौधरी। खड़े हो गए, कितने लोगों का टेस्ट हो चुका है अभी? जो है 14 लोगों का टेस्ट हो चुका है अभी। हाँ, कितने बजे से है? 3 बजे से हम लोग। 3 बजे से कितने लोग टेस्ट हुआ है? 14 सिर्फ। भाग जाता क्या करें, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। मैंने फिर भागने लगे हैं लोग यहाँ से, उधर देखे उधर जा रहा है क्या करें हम लोग। आप और देखे, ये देखिए कैमरा दिखा रहा है, ये जो पैसेंजर्स जा रहे हैं कोई इनकी जांच नहीं हो रही है, आप देख लीजिए ये पैसेंजर्स जा रहे हैं, तो ये और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हैं, ही है जो महंगी पड़ेगी। अरे सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर पुलिस यहाँ पर होती, एक भी पुलिस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। आप देखिए एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा, पैसेंजर उतर उतर करके आ रहे हैं,
और आराम से बिना टेस्ट के जाएंगे। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पैसेंजर्स आ रहे हैं और इनको कोई नहीं रोकेगा और ये सब लोग बिना मास्क के भी हैं। बहुत खूब हमारे सहयोगी कैमरामैन ने इंडिकेट किया, ये देखिए जितने भी लोग आ रहे हैं किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। ये साफ तौर पर लापरवाही और कोरोना को दावत देने जैसी तस्वीरें नजर आ रही है। शहनवाज आप रुके वहीं पर, आपसे हम वापस बातचीत करेंगे। जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात और रांची के रिम्स से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण बने हुए हैं। सत्यव्रत, आंकड़ा जो है कोरोना का, कोरोना संक्रमित मरीजों का, वो बढ़ा है। जाहिर तौर पर लापरवाही बढ़ने का नतीजा है ये। अब फेस्टिव सीजन है और फेस्टिव सीजन में अगर ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली तो ये खतरे की घंटी है। तो देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि खतरे की घंटी है। और इससे पहले अगर पूर्व के दो साल की अगर बात करें तो यही कारण रहा था, यही समय रहा था जब कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था। अभी दुर्गा पूजा का त्योहार खत्म हुआ है और दीपावली और छठ जैसे महान त्योहार मनाए जाने हैं, वैसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है, स्थिति भयावह नहीं हो, इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखा रहा है, कोरोना के तीसरे लहर की तैयारी में लगा है। जिला प्रशासन के लोग लगातार वैसे लोगों पर सख्ती अपना रहे हैं जो कि गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। राजदा कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लापरवाही के कारण राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ी है और मैं इस वक्त रिम्स के ट्रामा सेंटर में हूँ। उस ट्रामा सेंटर में राजदा जो राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, जो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल होने का गौरव पाता है और कोरोना के पहले और दूसरे महामारी के दौरान मेरे पीछे रिम्स के इसी ट्रामा सेंटर में एक समय हुआ करता था राजदा जब लोगों को भर्ती होने के लिए एक बेड तक नसीब नहीं हुआ करता था। फिलहाल आप देखिए और वैसे लोगों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए जो कि खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, बिना मास्क के घूमते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं कि फिलहाल रिम्स के इस ट्रामा सेंटर में जो सन्नाटा पसरा है यहाँ वो गहमा गहमी नहीं उत्पन्न हो जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। फिलहाल राजदा रिम्स के इस ट्रामा सेंटर में अभी भी कोरोना के दो संक्रमित मरीज भर्ती है, एक नामकुम के रहने वाले हैं, दूसरा डोरंडा के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो दो लोग रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, संक्रमित हैं, उनके परिवार के ज्यादातर लोग संक्रमित हैं। एक बच्ची है जिसकी उम्र करीब 14 साल है, धनबाद के बैंक मोड़ के पास के रहने वाली है, वो कोरोना की संदिग्ध है, आरटीपीसीआर में उसका जांच रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है लेकिन बच्ची में कोरोना संबंधित सभी लक्षण है, फिलहाल वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, गंभीर स्थिति में है। तो ये तस्वीरें देखने की जरूरत है कि एक बार फिर जहां तीन महीने तक रिम्स के मेरे पीछे इस ट्रामा सेंटर में एक भी कोरोना का संक्रमित मरीज नहीं था, वहां एक बार फिर मरीजों के आने का सिलसिला चालू हो गया है। दो कोरोना पॉजिटिव, एक कोरोना का संदिग्ध, 27 पोस्ट कोविड के मरीज और एक ब्लैक फंगस का मरीज अभी भी मेरे पीछे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है राजदा। बिल्कुल ये परेशान करने वाली बात है सत्यव्रत, लेकिन लोग जो है वो बेखौफ हैं, उन्हें लगता है कि कोरोना का डर खत्म हो गया जो इतनी लापरवाही बरती जा रही है। सत्यव्रत, शहनवाज और प्रभात आप तीनों हमारे साथ बने रहे, वापस आएंगे लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा छोटे से ब्रेक के लिए। तो जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, लापरवाही उसी तरह देखने को मिल रही है। प्रशासन से देख करके लोग चेहरे पर मास्क जरूर लगा लेते हैं लेकिन कोरोना का डर उनके अंदर से खत्म हो गया है। हमारे सहयोगी रांची से, जमशेदपुर से प्रभात, रांची से सत्यव्रत किरण और मनीष अब देवघर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनीष, संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है लेकिन लोग है जो अभी भी बेखौफ है, फेस्टिव सीजन है, दुर्गा पूजा का त्योहार अभी खत्म हुआ है, दीपावली और छठ की तैयारी चल रही है, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर राजदा, और हमको बता दें कि कल तक जो देवघर
में कोई मामले नहीं थे सामने, आज एक मामला सामने आ गया है। देवघर प्रखंड के केमनन काठी में एक संक्रमित मरीज पाया गया है, रिपोर्ट में आया है, और ये जगह है बिहार और झारखंड में, देवघर का जो बॉर्डर इलाका है वो इलाका है। हमारी बातचीत हुई है प्रशासन के अधिकारियों से, उन लोगों ने कहा कल इस बात का ट्रेस होगा, पूरी हिस्ट्री उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पता चल पाएगा और उसके बाद फिर बाकी लोगों को ट्रेस किया जाएगा, यानी कि अब यहाँ भी मामले सामने आने लगे। दूसरी जो सबसे अहम बात है ये कि जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रही है और सभी जगह पर जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो जगह है, इसमें बिहार से आने के कई रास्ते हैं और कई ऐसे स्टेशन हैं जो बाहर से ट्रेन आती हैं, जसीडीह, मधुपुर, उसके अलावा और भी जामतवा भी उधर से लोग उतर के आते हैं, तो सभी जगहों पर ये बात हो रही है कि सभी जगह पर चेकिंग पॉइंट, हालांकि पहले से भी चेकिंग रखा गया है जो जांच करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी अहम बात ये है कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन के पास हैंड्स की कमी महसूस हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई है सिविल सर्जन से, उन्होंने कहा है कि एक दो को खड़ा करने से काम नहीं चलेगा, जरूरत इस बात की है कि 6 से 7 लोगों की टीम खड़ी हो ताकि एक माहौल बने, और जरूरी होता है कि एक आदमी पब्लिक को रोके, उनका नाम पता, उनका जो नंबर है वो नोट करे, दूसरे उन्हें उनका टेस्ट ले, तीसरा वैक्सीनेशन भी करे, तो एक टीम वर्क के रूप में हम कह सकते हैं, एक शिविर जैसा स्टॉल जिसको हम कहते हैं। अमूमन देखने में मिल रहा था कि एक कोई बैठा हुआ है, महिला या कोई पुरुष बैठे हुए हैं। मनीष जरा यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, रांची रेलवे स्टेशन से सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ बने हुए। शाहनवाज, काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है, ट्रेन शायद वहां पर रुकी है, पहुंची है या फिर निकलने वाली है, काफी भीड़ है। देखिए, एक ट्रेन अभी आई है और उसमें सवार होने के लिए लोग अपनी अपनी जगह है लेने के लिए। ये रांची से ही खुलने वाली ट्रेन है, रांची दुमका की ट्रेन है और वो ट्रेन अभी अभी खुलेगी, वो ट्रेन लगी है, इसीलिए उसमें बैठने के लिए लोगों की भीड़ है और अपनी अपनी जगह पे लोग लेने के लिए जा रहे हैं। अभी अभी जब आप और हमारी बातचीत चल रही थी और हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर लोग निकल जाते हैं बिना जांच कराए हुए, बाहर निकल जाते हैं, तो स्वास्थ्य कर्मी हमारे पास आया और कहा कि चल के जरा नजदीक से दिखाइए कि हम लोग काम करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन अगर लोग ही सहयोग ना करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो बात बिल्कुल जायज है, स्वास्थ्य विभाग का काम है यहाँ पर अपनी जो कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मी है, उनको ड्यूटी पे लगा देना, और ये राउंड द क्लॉक, अब देखिए सुबह से एक शिफ्ट होगी जो 2 बजे खत्म हुई, उसके बाद कितना शिफ्ट है आप लोगों का, कितना शिफ्ट रात में भी रहते हैं, रात में कौन रहता है, 3 शिफ्ट है राजदा, आप समझ सकती हैं कि ये लोग पूरे राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं और बिना छुट्टी के, जब से पैंडेमिक आया है ये यहाँ पर तैनात है, और आरपीएफ के लोग कहाँ हैं ये भी अपने आप में सवाल है। और सबसे बड़ी बात मैं कह देना चाहता हूँ ऑन एयर, जो इस वक्त देखिए हमारे साथ आरपीएफ के भी जी आरपीएफ, अच्छा, तो क्या लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, सुनते हैं जांच में, फिर इसमें आम जनता का दोषी है, पुलिस स्टाफ अनुरोध करता है बार बार चेक कराइए तब बाहर जाइए, वे मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, ये लोग को देते हैं गाली देते हैं, गंदा वो भी देते हैं, अच्छा से परिवार के लोग, अच्छा। उनसे अच्छा जो काम पढ़ लिखे है वो ठीक है, ये भी हम लोग सुना है कि आप लोग सहयोग नहीं करते हैं, आप कैमरा करता है, स्टाफ सहयोग सब करता है, लेकिन आम जनता सहयोग नहीं करते है, इसका गलती आम जनता का है, हम लोग रोकते हैं, भाई साहब जांच करवाइए, नहीं कराएंगे। मास्क में भी हम देख रहे हैं कि लापरवाही है, मास्क भी नहीं लगाते लोग, कहने के बाद भी लगाते हैं, आई एम सॉरी, तो हम सवाल भी करते हैं, जब आप विदेश में जाते हो तो वहाँ नियम मानते हो क्यों, 2 लाख फाइन है, यहाँ नियम नहीं है, अपना देश में से क्यों करते हो लापरवाही, सही बात आपने, सही बात आपने। अच्छा, वो ट्रेन हाँ चलिए, तो कहीं ना कहीं नियम ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब नियम की जरूरत पड़ गई है, कुछ फाइन की जरूरत पड़ गई है, तभी जाकर के लोग मानेंगे। शहनवाज, वापस आपके पास आएंगे, जरा एक बार रुक करते हैं धनबाद का, दिलीप हमारे साथ मौजूद है, दिलीप वहां की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? देखिए कोरोना को लेकर के
लोग काफी बेपरवाह दिख रहे हैं, उन्हें जरा सा भी खौफ नहीं है कि वो किस आपदा से गुजरे हैं, किस बड़ी बीमारी से गुजरे हैं, और कुछ वक्त पहले तक किस तरह से वो परेशान रह रहे थे और थोड़ी सी सावधानी बरत रहे थे, मास्क पहन के चल रहे थे, हैंड सैनिटाइज कर रहे थे और एक सामाजिक दूरी का हमेशा ख्याल रख रहे थे। लेकिन अभी के हालात उस तरह से नहीं बन पड़े हैं जैसा कि दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में भी देखने को मिला था, लोग बेपरवाह थे और अभी भी लोग बेपरवाह थे। देखिए हम इस वक्त एक जगह पे थोड़ा सा मुआयना हम पे सही कहेंगे कि वो दिखाएं, छोटा सा दुकान है, छोटे से बाजार है, छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं तो ना मास्क पहने हुए हैं, ना सामाजिक दूरी का ख्याल रख रहे हैं, और ना ही जो दुकानदार है वो ये कह रहे हैं कि आपको मास्क पहन करके आना है, दुकान के सामने खड़े रहना, हालांकि खाने के वक्त मास्क हटाना है, लेकिन उस दौरान पालन करना है आपको कि कैसे कोरोना से बचना है। ये तो रही आम लोगों की बात, अगर वही जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन भी अपने तरफ से मैच खाना पूर्ति करने में लगी हुई है, मास्क अप अभियान चला रहे हैं, एक वैन बस गुजरती है, दो चार लोगों को उठा करके फाइन काटते हैं या फिर उन्हें जो गोविंदपुर में कैंप बना हुआ वहां पर रखते हैं। लेकिन इससे नहीं चलेगा, जिस तरह से लोग बेपरवाह हो रहे हैं, पहले की तरह ही सख्ती दिखाने की जरूरत है, उन्हें फाइन लगाने की जरूरत है, और चौक चौराहे पे जिस तरह से पुलिस जांच कर रहे थे उस तरह से करने की जरूरत है, क्योंकि लोग इस कदर बेपरवाह हैं, उन्हें लग रहा है कि कोरोना का उन्हें कोई खतरा ही नहीं है, अगर वो वैक्सीनेट हो गए तो उनके ऊपर तो कोरोना असर ही नहीं करेगा। बिल्कुल, एक और लोगों के मन में ये बात चल रही है कि वैक्सीनेट हो गए हैं, दोनों डोज हमें लग चुका है तो अब हमें कोरोना नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है, जिन्हें दो डोज लग चुके हैं उन्हें वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि ये जो मिथक है दिमाग में उसे निकाल दे कि हम वैक्सीनेट हो चुके हैं तो अब हमें कोरोना नहीं होगा। देखिए दिमाग में निकालने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार जो विशेषज्ञ हैं उनके तरफ से कई बार बयान आया है कि अगर आप दोनों डोज ले चुके हैं उसके बावजूद भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, कोरोना अटैक करेगा ही, कोरोना संक्रमण के आपका शिकार आप बन सकते हैं। उस दौरान ये हो सकता है कि जो पहले कोरोना हावी हो जाता था, बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाते थे, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती थी, बेड एडमिट होने की जरूरत पड़ती थी, उससे थोड़े से आप बच सकते हैं, लेकिन कोरोना आपको नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी है, और उसके बावजूद भी अगर हम सचेत नहीं हो रहे, हम सावधान नहीं हो रहे, तो हम लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल लापरवाही है। दिलीप आपके पास हम वापस आएंगे, दिलीप वापस आएंगे, जरा एक बार मनीष से बात कर ले। मनीष, प्रशासन जो है वो कितनी सतर्क नजर आ रही है, लोगों को कितना ज्यादा वो अलर्ट मोड पर है ताकि लोगों को बता सके कि कोरोना का डर अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए राजदा, प्रशासन अपनी तरफ से तैयार है और कल के बाद से कई पॉइंट पे भी बढ़ाए जाएंगे जांच के लिए, लेकिन कुछ उनकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो उनके पास स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, और आपको शायद जानकारी भी होगा कि पिछले 2-3 महीने से स्वास्थ्य कर्मी जो है, जो फ्रंट पर है, जो नीचे स्तर पर जो काम करते हैं, उनका वेतन नहीं आया। हालांकि सुनने में आया कि अब पैसा आ गया है, लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात है जिससे आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, एक बड़ी है। दूसरी चीज की स्वास्थ्य कर्मी की कमी भी महसूस हो रही है, और तस्वीर से सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर हम स्टेशनों की बात करें तो वहां पे पुलिस कर्मी उनको अगर साथ दे खड़ा होकर के तो थोड़ा सा उनको सहूलियत हो जाएगी, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे जरूरी काम यह है कि अब हम लोगों को, जो आम लोग हैं जो बाहर से उतर के आ रहे हैं, उन्हें स्वतः आगे आना होगा। देखिए पिछले महीने में जयपुर और दिल्ली के दौरे पर था, मैंने वहां देखा उतरने पे कि सभी जगह से जहां से निकलना था वहां चेक करने के लिए पुलिस आ गई थी, और जो गार्ड वहां थे वो रोक करके कि नहीं आपको जांच कराना ही होगा, वहां एक स्टॉल लगा था। तो कुछ इस तरह का माहौल यहां भी बनाना होगा, और जरूरी होगा, लोग समय जरूर लगेगा, लेकिन जरूरत इस बात की थोड़ा माहौल बने, थोड़ी सख्ती करनी होगी, और साथ ही साथ जो आपके स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो 3-4 महीने से जिनको पैसे नहीं मिले, सैलरी मिले, उन्हें देना होता है ताकि वो मोटिवेट हो। इसलिए सबसे अहम बात है कि जान रोक करके अब ये जरूरी थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी राजदा, क्योंकि हमारी ये मानसिकता होती है, हम बिहार झारखंड के इधर के लोग, हम लोग नियमों कानूनों को नहीं जल्दी संभालना तैयार होते हैं, हम बिंदास रहना चाहते हैं, ये हमारी मानसिकता है। डबल डोज ले लिए हैं फिर भी बिंदास संभालना चाहते हैं, लेकिन ये एक मानसिकता है, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत सख्ती भी जरूरी होगी, लेकिन इसके लिए जरूरत है कि पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मी हो, और साथ ही साथ जिला प्रशासन के जो अदर जो कर्मचारी हैं वो भी उस फ्रंट पे खड़े हो, और ताकि वहां पे एक माहौल बना करके काम चले। तो कहीं ना कहीं लोग अब खुद ऐसा माहौल बना रहे हैं मनीष की, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा तभी वो जाकर मानेंगे। मनीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दिलीप शहनवाज, सत्यव्रत किरण और
प्रभात, आप चारों हमारे साथ बने रहे, वापस आएंगे तो प्रभात के पास जाएंगे और जमशेदपुर में क्या स्टेटस है कोरोना को लेकर वो हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक और छोटा सा ब्रेक। तो कोरोना का डर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के मन से ये डर निकल गया है कि कोरोना जो संक्रमण, जो महामारी से हम गुजरे हैं, इतने लोगों की जानी गई है, शायद वो लोगों के जहन से निकल चुका है और उसी का असर ये है कि एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। रुक करेंगे जमशेदपुर का, प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, अगर कोरोना स्टेटस की वहां पर अभी की बात करें, अभी तक कितने एक्टिव केस है और क्या कुछ नए केसेस भी मिले हैं? देखिए राजा, अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और लगातार पेशेंट सामने आ रहे हैं। अगर हम 10 दिन पहले की बात करें तो रुक रुक के पेशेंट आ रहे थे, लेकिन अभी लगातार दुर्गा पूजा के बाद से बोले तो रेगुलर पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। किसी दिन 4, किसी दिन 6, किसी दिन 3, आज भी 3 पेशेंट आया, कल एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई थी। तो पेशेंट अभी तक अगर कहें तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये कहा भी गया था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि दुर्गा पूजा के दौरान सतर्कता बरतने के लिए कि हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो। आने वाला दीपावली है, आस्था का महापर्व छठ है, ये सारी त्योहारों में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी अपनी समझदारी सतर्कता दिखाने की ज़रूरत है। प्रशासन आपके पीछे हर समय नहीं घूम सकता है, ना ही प्रशासन आपके पीछे, क्योंकि आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी। आपको कोरोना से बचना है तो आपको मास्क लगाना होगा, आपको अगर बाजार जा रहे हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करना होगा, घर जाने के वक्त अगर आप घर पहुँच रहे हैं तो अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। लगातार प्रशासन अपनी तरफ से मुहिम चला रहा है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है हमको और आपको अपनी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, ताकि जो अभी जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की बात की जा रही, कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हमें देखना पड़े और जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और अभी अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो 25 एक्टिव केसेस है और जिन 25 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उनके अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रही बात जो चेक नाके है या जो रेलवे स्टेशन है वहाँ चेकिंग की, तो वहाँ लगातार चेकिंग की जा रही है, लेकिन आज अगर हम कहें जो इंसेंट कमांडर के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जो वहाँ से स्वास्थ्यकर्मी है, स्टेशन से 4 स्वास्थ्यकर्मी गायब पाए गए थे, डिमना के चौक है जो बॉम्बे चौक है वहाँ से कुछ स्वास्थ्यकर्मी गायब पाए गए, तो उन पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है कि क्यों वहाँ से वो लोग नहीं थे टेस्टिंग के दौरान। हालांकि रेगुलर जमशेदपुर का रेलवे स्टेशन में 3-3 जगह कोरोना टेस्टिंग की जो स्वास्थ्यकर्मी बैठे हुए, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि लोग सहयोग नहीं कर रहे। अगर जो लोग बाहर से आ रहे, खासकर जो कोलकाता और उड़ीसा से जो आ रहे हैं, वैसे लोगों की टेस्टिंग होनी जरूरी है। इसमें जो पुलिस प्रशासन का भी सहयोग जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि स्टेशन से निकलते समय बच बचा के निकल जाते हैं, वो कोरोना टेस्ट नहीं कराते, ऐसे में प्रशासन के लोग को वहाँ खड़ा होने की, जो भी लोग स्टेशन से अगर प्लेटफॉर्म की तरफ बाहर निकल रहे हैं तो उनको वो क्यू में खड़ा करा के टेस्ट कराए, ताकि ये पता चल पाए कि जो कोलकाता से आ रहे हैं या उड़ीसा से आ रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि जमशेदपुर में भी देखा गया है कि दुर्गा पूजा के दौरान एक फैमिली कोलकाता घूमने गया था, उस फैमिली के 4 लोग एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये देखा जाए कि कोलकाता से जो लोग भी आ रहे हैं उनमें ही पॉजिटिव ज़्यादा पाए, खासकर जो शहरी क्षेत्र है, जो भी अब तक केसेस सामने आ रही है वो शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं, चाहे वो साक्षी बोले, बिष्टुपुर बोले, सोनारी बोले, टेलको बोले, स्टेशन बोले, जो ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अछूता, क्योंकि ग्रामीण भी देखा गया था कोरोना काल में, चाहे पहली कोरोना काल की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र का गांव का सेट तभी भी सुरक्षित है और अभी भी एक तरह से कहे तो सुरक्षित है, लेकिन शहर के लोग जो है कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। उसी का नतीजा है जो हर रोज जो शहरी क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तो हर प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, लेकिन हमको और आपको सोचना है कि हमको अगर कोरोना से बचना है तो सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है। जो हम लोग कोरोना के पहले काल में जिस तरीके से लोग इतने डरे समय थे, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों की जो सतर्कता है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि आम लोगों से ही कोरोना लगातार बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आम लोगों को जाहिर तौर पर सावधानी बरतनी जरूरी है। प्रभात, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। सत्यव्रत, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन लोग जो है वो जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं उसी का खामियाजा एक बार फिर से हम भुगत रहे हैं, और ये खामियाजा जाहिर तौर पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बड़ी परेशानी की सबब हो सकती है। राजा देखिए, फिलहाल अगर अपने राज्य की बात करें तो स्थिति थोड़ी सामान्य है, लेकिन अगर यह लापरवाही जारी रही
तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी और उसके बाद हम लाख तैयारियां कर लें, लाख व्यवस्थाएं कर लें, लाख अस्पताल में बेड हो जाए, पीएसयू ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरे राज्य में हो गई है, वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि पहले इस बीमारी को रोक लिया जाए। राजधा, मेरे पीछे रिम्स के ट्रामा सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कों पे आप जाएंगे तो आपको भीड़ भाड़ दिखेगा। शाहनवाज जी अभी दिखा रहे थे कि रेलवे स्टेशन पे अफरा तफरी है, लोग कोविड जांच नहीं करा रहे हैं, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, लोग बिना मास्क के हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, अगर वो भीड़ समय रहते कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रित नहीं होता है, तो मेरे पीछे रिम्स के ट्रामा सेंटर में जहां भी सन्नाटा पसरा है, अगर वहां भीड़ भाड़ होता है तो बाकी सड़कें जो हैं वो सुनसान हो जाएंगी, सरकार को मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ेगा। आप देखिए राजधानी के रिम्स के इस ट्रामा सेंटर में अभी भी कई ऐसे चिकित्सक हैं, नर्स हैं, अस्पताल कर्मी हैं, जो कि लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों को देखिए, मास्क पहने हुए हैं, 24 घंटे मास्क पहन कर रहते हैं। जब तक अस्पताल में उनकी ड्यूटी रहती है वो मास्क में रहते हैं। आखिर यह सुरक्षा कर्मी कैसे अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने जान की परवाह किए बगैर रिम्स में है ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, लेकिन कई लोगों के पास बहाना है कि वो मास्क पहनते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए, जो सुरक्षा कर्मी है, कोरोना के योद्धा है, जो कि कोरोना के पहले दूसरे लहर में अपना पूरा परिवार होने के बावजूद महज कुछ पैसे और सेवा भावना के कारण रिम्स के ट्रामा सेंटर में खड़े थे ताकि लोग बीमार ना पड़े, लोगों का सही तरीके से इलाज हो सके, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो शायद इन समस्याओं को समझना नहीं चाह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है ये जानना नहीं चाह रहे हैं, और ऐसे ही लापरवाह लोगों के कारण अगर राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, कोरोना के दूसरे लहर की जैसी अगर भयावह स्थिति होती है, तो उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वैसे लोग होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बहाना है, गाइडलाइन पालन नहीं करना है। राजदा, बिल्कुल सत्यव्रत, हम चाहेंगे कि आपके पीछे जो ट्रॉमा सेंटर है उसी तरह सुनसान रहे और लोग जो है वो एहतियात बरते, क्योंकि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ, महाराष्ट्र के कई जगहों पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई है। तो अगर अपने शहर को इस संक्रमण से बचाना है तो आपको प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। फेस्टिवल हम बाद में भी बहुत अच्छे से मना सकते हैं, बेखौफ होकर मना सकते हैं, आप मनाइए, त्योहार को मनाने में कोई मनाही नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ध्यान रखते हुए भीड़ भाड़ कम करें। और दुकानों में भी यही गाइडलाइन लगातार जारी की गई है कि अपने दुकान में बिना मास्क के किसी को आने ना दें, दूरी बनाकर रखें, लेकिन उसके बावजूद कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से इस संक्रमण से एक डर सा बन गया है। दिलीप, वहां पर अगर धनबाद के एक्टिव केस की बात करें तो वहां पर अभी कितने पेशेंट मिले हैं? देखिए, अभी जो आंकड़े हैं 13 एक्टिव केसेस हैं धनबाद में। बहुत अच्छी खबर नहीं कह सकते इसको, हम अच्छी खबर तभी कहते कि ये 13 भी धनबाद में नहीं होते, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक भी एक्टिव केस धनबाद में नहीं थे, और ऐसे में 13 एक्टिव केस मिलना अपने आप में गंभीर विषय, क्योंकि ये लगातार जांच जो हो रहे हैं उसमें ये एक्टिव केस सामने आया है। तो लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, और खास करके जो बॉर्डर इलाके हैं, धनबाद का जो इलाका है वो बंगाल से सटता है, आपका आप कह सकते हैं इधर भौरा हो गया, फिर चिरकुंडा हो गया, या फिर जो मैथन चेकपोस्ट है उन इलाकों में है, तो ऐसे जगहों पर भी चेकिंग अभियान, जो कोरोना जांच होती है उसको बढ़ाने की जरूरत है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ट्रेस करने की जरूरत है, और खास करके स्टेशन पे और बस स्टैंड में थोड़ी व्यवस्था की गई है जहाँ पे लगातार कोरोना जांच किए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना जांच बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को किस तरह से जागरूक करते हैं, लोगों को किस तरह से ये प्रेरित करते हैं कि वो कोरोना जांच को लेकर के जो सरकार मुहिम चला रही है, या फिर कोरोना से बचने को लेकर के जो मुहिम चला रही है उसको कैसे आप रोकते हैं। तो वो जब तक आप नहीं समझेंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, तब तक कहना जल्दबाजी, और खास करके बाजारों की स्थिति भी वैसे ही है,
अभी दीपावली का त्यौहार है, इस दौरान भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। उसके बाद छठ जैसे महापर्व है, उस दौरान भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन अगर इस तरह की बातों को आप दरकिनार करेंगे और ये समझेंगे कि कोरोना महामारी खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में हम निराश हो सकते हैं और परेशान हो सकते हैं और लोगों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप हम तो बार बार यही कहेंगे कि आप मास्क पहने, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और खास करके आप दुकान में जाते हैं, भीड़भाड़ इलाकों में जाते हैं तो उन जगहों पे जाने से बचे, और अगर दुकानदार हैं या फिर जो लोग हैं उन्हें समझाएं कि आपको मास्क पहनना है और एक सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखना है ताकि हम कोरोना जैसे महामारी पे मात पा सकें। बिल्कुल दिलीप, बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 2 साल से हम चीख चीख कर लोगों से यही कह रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण कितना जानलेवा, अब हमारे बोलने से नहीं आपकी नजरों के सामने से ये सब कुछ गुजरा है, उसके बावजूद अगर लोग एहतियात नहीं बरत रहे तो ये उनकी बेवकूफी है और अपनी बेवकूफी के चलते इतने लोगों की जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आप चलो हमारे साथ बने रहे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। तो कोरोना का केस लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों से हम बार बार यही अपील कर रहे हैं, न्यूज 11 भारत भी लोगों से बार बार यही अपील करता है कि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि जो थर्ड वेव की संभावना है वो अगर ऐसे ही हालात रहे तो उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। हम चाहे कितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी अगर आप इसी तरह से लापरवाह होते रहेंगे। जमशेदपुर से प्रभात, रांची से हमारे दो सहयोगी शाहनवाज अख्तर और सत्यव्रत किरण भी बने हुए हैं। प्रभात, लगातार ये अब बोल बोल कर हम थक चुके हैं, अपील करके लोगों से थक चुके हैं, लेकिन लोग जो है वो इतने बेपरवाह हो गए, इतने बेखौफ हो गए हैं, हम भी उसी बेखौफ से जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, समझना होगा लोगों को। देखिए, समझना होगा, लोग समझ भी नहीं रहे, और अभी मैं बता दूं कि अभी भी बाजारों में उसी तरीके से लोग पहुंच रहे हैं बिना मास्क के, उसी तरीके से भीड़ लगा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन सख्ती तैयार कर रहा है, सख्ती करता भी है, कई दुकानों को सील भी करता है, लोगों को पनिशमेंट के तौर पर कान पकड़ के उठा बैठी भी कराता है भरे बाजार में, उसके बाद भी लोग नहीं चेते हैं। ऐसे स्थिति में निश्चित है कि प्रशासन को जो दूसरी लहर की जो कड़ाई थी, जिस तरीके से प्रशासन कड़ाई कर रहा था, लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला दर्ज कर रहा था, लोगों को कैंप जेल भेज रहा था, वो स्थिति कहीं ना आ जाए, और वो स्थिति लाना होगा प्रशासन को। अगर हमें कोरोना से लोगों को बचाना है, लोगों को सतर्कत करना है, तो प्रशासन को उस तरीके से कड़ाई करना होगा, तभी जाकर लोग माने। क्योंकि हर रोज हम लोग न्यूज 11 भारत हर रोज लोगों से अपील करता है, जिला प्रशासन अपील करता है, चेकिंग अभियान चलाता है, लोगों को जा के समझाता, उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं, उसी का नतीजा है जो पूर्वी सिंहभूम में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और हर रोज केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो 4 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, हर एक दिन कैसे सामने आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उसी का नतीजा है जो लगातार कैसे सामने आ रहे हैं। और इवन काफी दिनों बाद, एक तरह से कहें तो कल एक मरीज की मौत भी हुई थी कोरोना से लंबे अंतराल के बाद, तो कहीं ना कहीं खतरा तो टला नहीं है। जैसे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रोज हर एक कार्यक्रम में पहले लोगों से आग्रह करते हैं कि आप अभी भी मास्क लगाएं, और हर एक जो कार्यक्रम होता है वहाँ लोगों से अपील की जाती है कि आप मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, और वो हम लोगों को अपना जो दिनचर्या है, जो हम लोगों ने कोरोना काल के पहले दौर में देखा था, दूसरे दौर में देखा था, वो अपनाना होगा लोगों को, आम आदमी को, तब जाकर हम कहेंगे कि आने वाले दिनों में जो हमारे जो फेस्टिवल सीजन है वो हम आने वाले सालों में उसी तरीके से मना सके जिस तरीके से पहले मनाया करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में लोगों को अपनी समझदारी दिखाने की, खासकर जो वैसे लोग जो बाजार में दुकानदार हैं या फिर कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जो कंपनी से काम करके अपने घर जाते हैं, घर जाने से पहले वो दिनचर्या में ला लें कि मास्क चेहरे से नहीं उतारना है, घर जाने से पहले अपने आप को पूरा सैनिटाइज करें, अपने कपड़े को बाहर उतार करें, जैसे हम लोग दूसरे वेव में देखा था और पहले कोरोना काल में सतर्कता दिखा रहे थे, लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे, और कहीं ना कहीं अगर लोग मास्क नहीं पहनते तो एक दूसरे को लोग बोलते भी थे कि मास्क लगाइए। अभी वो नजारा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लोग इसी तरह से लापरवाह हो गए, चेहरे पे मास्क नहीं लगाते, सामाजिक दूरी का कोई पालन नहीं करते, स्ट्रीट वेंडर लोगों की जो दुकानें खोलने की इजाजत मिली वो कहीं ना कहीं आपको लापरवाह नजर आ रहे हैं। देखिए राजा, यहाँ जमशेदपुर में अगर हम पूर्वी सिंहभूम बोले तो 25 एक्टिव केसेस है, और एक्टिव केसेस जो है शहर के विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। पहले अगर हम कहें तो एक्टिव केसेस घटकर 8 आ गई थी, लेकिन ये पूजा के बाद से लगातार एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी है। हालांकि 4 लोगों
को स्वस्थ होने के बाद उनको अपने घर भी भेजा गया, स्वस्थ होकर घर पे भी गए, लेकिन चार लोग अगर स्वस्थ हो रहे हैं तो तीन लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं, अगर पांच लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो आठ लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं, तो शहरी क्षेत्र से सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग चले तो अभी तक 25 क्षेत्र से अभी भी वो स्थिति नहीं है जिस जो स्थिति पे बिल्कुल बिल्कुल जरा आपको रोकना चाहेंगे शहनवाज, रांची रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद है, वहां पर हम देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो टेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, लोग नजरें बचाकर वहां से भाग रहे हैं, जो लोग टेस्ट भी करवा रहे हैं वो अपना मोबाइल नंबर वहां पर सही नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी परेशानी है लोगों को, ट्रेस कैसे किया जाए जो पॉजिटिव आते हैं। बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि वो कायदे कानून को नहीं मानेंगे, और आपने देखा बिना मास्क करके घूमते हुए लोगों को रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक जगहों पे, जहाँ पर लोग कौन है कहाँ से आए हैं ये पता नहीं चलता है, ऐसे ही जगहों पे संक्रमण लोग एक दूसरे को बांटते हैं और संक्रमण होता है फैलता है, ये कोई कहानी की फिक्शनस कोई काल्पनिक कथा मैं नहीं सुना रहा हूँ ना आप सुन रही हैं, ये हो चुका है, ये दूसरा साल है, अब कैसे हुआ था क्या हुआ था ये सब लोग जानते हैं, तो फॉरगो करने की लोगों को हल्के में लेने की आदत हो गई है, और अब जब हम लोग ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं तो पास में ही लोग खड़े होकर के कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इन लोगों को कोई और काम नहीं है, लोगों को डराते धमकाते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पे आई हुई है फिर से एक बार उतारने की कोशिश करते हैं, और ये है वो है, जो कोई टॉपिक चाहिए टॉपिक नहीं मिल रहा है, मैं साफ सुन पा रहा हूँ कुछ लोग जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं वो ऐसा कह रहे हैं, जो लोग मास्क लगाए हुए हैं वो दूसरे को कह रहे हैं कि भाई ये बांट रहे हैं हमको, स्वास्थ्य कर्मी आकर के हमको कह रहे हैं कि यहाँ नहीं वहाँ पर आकर के देखिए किस तरह से हम लोगों को लोग बुरा भला करते हुए गुजर जाते हैं। आप मैं अभी 45 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ पे खड़े हुए बातचीत करते हुए, मैं अभी 15 मिनट पहले रेल पुलिस को देख पा रहा हूँ, बाकी जब हम आए थे तमाम लोग एक कमरे में बैठ करके आराम से टीवी देख रहे थे, ये रेल पुलिस की बात मैं बता रहा हूँ, और एक बात और भी मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, अगर कोई रेलवे का बड़ा अधिकारी इस बात को सुन रहा है तो इस बात को तुरंत चेक करें, मीडिया की एंट्री पर पाबंदी यहाँ पर लगा दी इन लोगों ने, वो इसलिए कि हम उनकी पोल ना खोले, क्योंकि जब भी इत्तेफाक देखिए जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ये चीज़ मुझे दिखाई देती है, और फिर इस हमारे माध्यम से न्यूज़ 11 पर ये खबरें चलती हैं तो लोगों को लगता है कि हमारी बुराई कर रहे हैं, रेल पुलिस बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है, आराम से बैठी हुई रहती है, हाँ जब कोई कैमरा आता है कोई रिपोर्टर आता है तो उस टाइम जैसे आपने अभी देखा कि आराम से आए और उन्होंने दोषी ठहरा दिया पब्लिक को कि पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती है, अरे पब्लिक ट्रेन से उतर के सफर करके कहाँ कहाँ से उतर के आई है, भारी परेशान है, उसको तो जल्दी होगी ही घर जाने की, तो आपका फर्ज है कि आप कोई ऐसा रास्ता बनाए, एक ऐसा कोई टनल बना दे जहाँ पर से बिना जांच के गुजर नहीं निकल नहीं सकते, बिल्कुल ये स्वास्थ्य कर्मी भी कितने दिन तक कर्मठ बने रहेंगे, बिल्कुल जब इनको भी ये लगेगा कि कोई सुनता नहीं कोई टेस्ट करता नहीं, और अब तो एक और नई बात आ गई कि जो रैपिड टेस्ट ये कर रहे हैं उसकी टेस्ट में बाद में पॉजिटिव होके नेगेटिव आ जाती है, तो ये भी लोगों में बहुत जबरदस्त चर्चा का विषय है कि इस जांच का फायदा क्या है, तो इस बात को भी जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को क्लियर करना चाहिए कि जांच जांच होती है, जांच पे सवाल उठाना कोई अच्छी बात नहीं है, ये मेडिकल इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल किसी एक के सतर्क रहने से काम नहीं चलेगा शहनवाज, अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर सतर्क है तो रेलवे प्रशासन सुस्त नजर आ रहे हैं, पब्लिक को तो अपने घर जाना है, कोई जरूरी काम से आ रहे हैं किसी भी वजह से वो सफर कर रहे हैं तो उन्हें तो घर जाने की जल्दी होगी ही, लेकिन यहाँ पे सतर्कता रेलवे प्रशासन की होनी चाहिए जो साफ तौर पर ठीकरा पब्लिक पर फोड़ते हुए नजर आ रही है, यानी कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, वो सख्ती नहीं बरत रहे हैं, तो बेहद जरूरी है कि सपोर्ट तो सबको करना पड़ेगा, पब्लिक के साथ साथ प्रशासन को भी वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, आप ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ सकते हैं। सतव्रत, परेशानी की सबब यही है कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, रेलवे प्रशासन जो है वो सुस्त है, एक कमरे में बैठकर टीवी वो देख रहे हैं, पब्लिक आ रही है जा रही है, तो ऐसे कोरोना को कैसे हम मात दे सकते हैं?
देखिए राजदा, आप दोषी किसी को भी ठहरा लें, लेकिन बाद में समस्या आपको ही होनी है, यानी कि आम लोगों को होनी है जो कि प्रशासन पे अपना ठीकरा फोड़ते हैं या फिर दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों पर फोड़ते हैं। देखिए राजदा, जो कोरोना है वो बीमारी नहीं है बल्कि महामारी है, इसे महामारी घोषित की गई है, और यह जो महामारी है वो कई महामारी और बीमारियों को न्योता देता है। यानी कि मेरे पीछे रिम्स के ट्रामा सेंटर में जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज चल रही थी, कई लोग थे जिनकी मौत हो गई इलाज के दौरान, कई ऐसे लोग थे जो कि ठीक होकर चले गए, लेकिन जो लोग ठीक हुए हैं उनमें से आधे ऐसे लोग हैं जो कि पोस्ट कोविड के मरीज हो गए हैं। अभी भी मेरे पीछे रिम्स के ट्रामा सेंटर में 27 कोरोना के पोस्ट मरीज हैं, यानी कि कोरोना से ठीक होने के बाद दूसरे बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं कोरोना के कारण। आज ही रिम्स के चेस्ट रोग विभाग के डॉक्टर हैं डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने फोन किया और हमें कहा कि सत्यव्रत एक जागरूकता कार्यक्रम बनाइए और आप अपने चैनल न्यूज 11 पे उसे दिखाइए, क्योंकि दीपावली का सीजन है और कई ऐसे लोग हैं जो कि पटाखा छोड़ेंगे। सत्यव्रत जागरूकता कार्यक्रम डॉक्टर चलाने की बात कर रहे हैं। अभी अभी हमारे सहयोगी शहनवाज जी ने कहा कि वहां पर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि हम अफवाह फैला रहे हैं, संक्रमण कुछ है नहीं, कोई टॉपिक इन्हें मिला नहीं है, तो ये इस तरह की खबरें अब चला रहे हैं। तो आखिर कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे उन्हें बताया जाए कि ये महामारी खत्म नहीं हुई है, जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल राजदा, देखिए कई ऐसे लोग हैं, फिलहाल हमारा कर्तव्य है, जो चिकित्सक हैं उनका अपना कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के पीछे खड़े होकर मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों में जागरूकता नहीं पहुंच रही है, जो शायद अपने कान को जानबूझकर बंद कर कर बैठे हैं या फिर वो सोचते हैं कि कोरोना वोरोना नहीं होता है, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि वो एक बार रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चले आए, जो भी कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनसे मिल ले, उनके परिवार के सदस्यों से मिल ले, और क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है उन्हें, वो उन्हें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, कोरोना के दूसरे लहर में कई लोगों को समझ में, अप्रैल और मार्च अप्रैल के वो मंजर को जरूर याद कर ले, जो लोग सांस लेने के लिए एक हॉस्पिटल एक अदद ऑक्सीजन की तलाश में दम तोड़ रहे थे कोरोना की वजह से, ये तमाम चीजें उन्हें अपने जहन में याद रखने की जरूरत है कि कैसे किन किन परेशानियों से हम लड़ चुके हैं। आज पर्याप्त है, सब कुछ है, बेड है, ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं हो, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है, लेकिन आप लोगों को एहतियात बरतना है ताकि इस संक्रमण से हम लोगों को बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, प्रभात और शहनवाज, आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें दिखाने के लिए और ये समझाने के लिए कि हम यहां पर बैठकर कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं आने वाले उस वक्त से जिसे हम कभी नहीं देखना चाहेंगे, वो भयावह तस्वीर जो हमने अप्रैल माह में देखी थी, किस तरह लोगों की मौत हो रही थी कोरोना संक्रमण की वजह से। तीसरी लहर को अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो शायद हम नहीं रोक पाएंगे, इसलिए हम सभी आपसे अपील कर रहे हैं, आप सभी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोरोना को हल्के में ना ले, वरना यह हम पर भारी पड़ जाएगा। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।